बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, फाइन शाइन होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव और हेल्दी जूस लेकर आई हूँ, जो है आड़ू का जूस। आड़ू का सीजन है, चूँकि गर्मियों का सीजन है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आड़ू का जूस लेके आई हूँ। आड़ू के बेशुमार फायदे हैं। आड़ू हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आड़ू हमारी जिल्द के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। तो इसलिए अगर आप लोगों को अपनी जिल्द बहुत ही ज्यादा गोरी और अच्छी चाहिए तो आप लोग आड़ू का बेहद इस्तेमाल कीजिए और एक दो बार हफ्ते में आड़ू का मिल्क शेक पीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए आड़ू का ही मिल्क शेक लेके आई हूँ। आप लोगों को रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे हम आड़ू का हेल्दी जूस बनाएंगे। मेरे पास ये 5 से 6 अदद आड़ू है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, वॉश कर लिया था, इसके छिलके उतार लिए और बारीक छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। हाफ कप मेरे पास चीनी है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। ये मेरे पास हाफ के जी दूध है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। दूध को मैंने सबसे पहले ठंडा कर लिया था, आधा घंटा पहले मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अगर आप लोग गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे मिल्क शेक में तो ये बहुत ही आप लोगों के जूस को, आप लोगों के जूस का जो जायका है उसको खराब करेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, सबसे पहले दूध को ठंडा कीजिएगा। जो भी मिल्क शेक आप लोग बनाए उसको सबसे पहले दूध को ठंडा कीजिए, फिर उसको ऐड करें, ठीक है? चले हैं अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने ब्लेंडर जग लिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। ब्लेंडर जग को हम ऑन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जो मैंने पीसेस लिए थे आड़ू के, वो डालूंगी मैं इसके अंदर। इसके बाद मैंने हाफ कप शुगर ली थी, वो इसके अंदर ऐड करूंगी। हाफ के जी मैंने दूध लिया था, वो इसके अंदर ऐड करूंगी। और यानी ये मैंने आइस के क्यूब्स लिए थे, वो इसमें डालूंगी। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए बहुत ही ज्यादा ठंडा जूस है, वो ही हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। आप लोग अगर मजीद इसमें आइस क्यूब्स डालना चाहें तो वो आप लोगों की मर्जी। चले आए अब हम ब्लेंडर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 मिनट तक हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये मैंने ग्लास पहले से ही डेकोरेट कर लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही हेल्दी हमारा जूस तैयार हो चुका है। आप भी जल्दी से बाजार में जाइए और आड़ू खरीदिए और हेल्दी सा जूस अपने लिए बनाइए, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत प्यारी लुक है इसकी। तो जल्दी से जाइए बाजार में आड़ू खरीदिए और जूस मिल्क शेक बनाइए। हफ्ते में 2 या 3 बार तकरीबन आप लोग ये जूस लाजमी पिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।